डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, साइंस में हम लोग अम्ल, क्षार और लवण को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। चलिए उसका क्वेश्चन आंसर जो बच गया था उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो एनसीईआरटी के जो बीच में प्रश्न रहता है उसको हम लोग करने वाले हैं। तो लिखा जाए पहला प्रश्न है, आप अपने बुक से ये खोलकर क्वेश्चन को लिख सकते हैं, देख सकते हैं, हालांकि हम क्वेश्चंस को भी बोल देते हैं। क्वेश्चन है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, इसका उत्तर लिखिएगा। आप जानते होंगे कि CaOCl2 किसका फार्मूला है, तो इसका उत्तर है विरंजक चूर्ण। जो पहला क्वेश्चन आप लिखें उसका प्रचलित नाम क्या है, तो वो विरंजक चूर्ण के नाम से प्रचलित है, जिसका फार्मूला CaOCl2 हो सकता है। तो देखिएगा, इसका उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखें CaOCl2। अभी हम लोगों का उल्टा सवाल था CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 लिखा जाए, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। जी हाँ साथियों, जैसा कि दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा यौगिक या ऐसा पदार्थ का नाम बताना है जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, वो है हम लोगों का, उसका उत्तर लिखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका होता है फार्मूला CaOH का होल 2। ठीक है, CaOH का होल 2, यानी कि दूसरा नंबर बोल रहा था कि ऐसा पदार्थ का नाम बताइए जिसको क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनेगा, तो पदार्थ का नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता क्या है, विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दूसरा का आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन बोल रहे कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, अब जो कठोर जल है उसको मृदु करने के लिए, मृदु का मतलब उसको मिटाने के लिए, तो हम लोग जैसे कठोर जल का मतलब हुआ कि जैसे हमारे कपड़े पर जो गंदगी लगती है उसको साफ करने के लिए धोने का सोडा का यूज किया जाता है, जिसको धोवन सोडा कहते हैं। तो सवाल तीसरा बोल रहा था कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका उत्तर लिखिएगा, सोडियम यौगिक का नाम है Na2CO3.10H2O। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा धोने का सोडा, यही सोडियम यौगिक है क्योंकि इसमें Na लगा हुआ है। तो बोल रहा था कि Na सोडियम वाला ऐसा यौगिक बताइए जो कठोर जल को मृदु करने का काम आता है, वह है धोने का सोडा। इसका फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इसको ब्रैकेट में धोने का सोडा भी कहते हैं, जैसे कि विरंजक चूर्ण को CaOCl2 कहते हैं वैसे ही। तो कुल मिलाकर तीसरा का आंसर हुआ Na2CO3.10H2O। इसको ब्रैकेट में धोने का सोडा लिख सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या चौथे नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, लिखा जाए क्वेश्चन पहले, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में
विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या होगा के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। देखिए, अब चौथा में क्या बोल रहा था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा, पहले बताइए कि गर्म करेंगे तो क्या क्या होगा, और जो होगा उसके लिए अभिक्रिया भी लिखना है। तो चलिए चौथा का उत्तर लिखेंगे, क्या लिखा जाए चौथा का उत्तर लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट कॉमा जल, सोडियम कार्बोनेट कॉमा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। चलिए ये तो क्या होगा ये हम लोग लिखे, लेकिन इसके लिए अभिक्रिया लिखना है, अभिक्रिया का समीकरण। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला NaHCO3, उसके नीचे लिखेगा जो उत्तर लिखे उसके नीचे, ये है हम लोगों का क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसका नाम लिख लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसका सूत्र NaHCO3 हो गया। अब इसको गर्म किया जाता है, तो यहां लिखा जाए इसको गर्म, यानी कि इसमें उष्मा दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो जब इसको गर्म कर रहे हैं तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका नाम लिख लीजिएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस में जल, इसके नीचे नाम लिख लीजिएगा जल, और ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का निर्माण होता है। तो सवाल बोल रहा था कि जब यही है भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको अगर गर्म करेंगे तो क्या क्या होगा, तो हम पहले लिखें उसको कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट जल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और इसके जो लिखे उत्तर उसके नीचे ये वाला समीकरण लिख देना है। हालांकि हम लोग इसको संतुलित करके लिखे तो और बेहतर है, सोडियम इधर 2 गो है तो 2 से गुना कर दीजिए, हाइड्रोजन 2 गो तो हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 6 गो तो ऑक्सीजन 2 और 1 3 और 3 6 गो, कार्बन 2 गो तो कार्बन 1 गो और 1 2 गो, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला समीकरण उसके नीचे लिख लेना है। तो चौथा भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब आइए आते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन पे, पांचवा नंबर क्वेश्चन लिखा जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए, जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, समीकरण लिखिए। देखिए अब बोला जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस तो जानते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला कौन सी होता है, इसका होता है CaSO4.12H2O। पढ़े थे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, डीपली पढ़े थे, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, सब चीज के बारे में हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़े। यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, ठीक है। तो इसका उत्तर में होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फार्मूला होता है CaSO4.12H2O, इसका नाम है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको जल के साथ अभिक्रिया करके दिखाना है, तो जल के 3/2H2O का अभिक्रिया कराएंगे, जल के कितना अणु, 3/2, ये हो गया हम लोगों का जल। सवाल बोल रहा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल के साथ अभिक्रिया के समीकरण को लिखना है, तो खाली लिख देंगे समीकरण, क्या होगा तो नहीं पूछ रहा है, क्या होगा तब हम लिखते हैं, और जब इसको अभिक्रिया कराएंगे दोस्त तो बनेगा CaSO4.2H2O, और इसका नाम होता है हम लोगों का जिप्सम,
जानते हैं ना, जिप्सम एक बहुत कठोर पदार्थ है। जब डॉक्टर लोग जब हड्डियों को टूटने के बाद उसको लेप करते हैं ना, तो जब प्लास्टर कटाता है तो जो लोहा वाला को काटने वाला रेती रहता है ना, उससे काटा जाता है। सोचो इतना ये मजबूत हो जाता है। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल के साथ अभिक्रिया करता है ना, जिप्सम बनाता है, जो कि ये बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा था कि क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखिए। तो इसका उत्तर में बस खाली इतना ही लिख देंगे, क्योंकि लिखना था अभिक्रिया का समीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न का बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को प्रश्न 5 ही क्वेश्चन था, जो एनसीईआरटी के बीच में जो क्वेश्चंस देता है। अब चलिए, जो एनसीईआरटी के लास्ट में, जैसे कि चैप्टर खत्म हो गया, उसके पीछे जो क्वेश्चन रहता है ना, उसको अभ्यास का प्रश्न कहते हैं, अभ्यास। ठीक है, तो अम्ल, क्षार और लवण के अभ्यास के प्रश्न को अब हम लोग करेंगे। तो अभ्यास में जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए पहले हम उसको बोल देते हैं। आप चाहे तो बुक की सहायता से भी आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखा जाए। फर्स्ट अभ्यास का क्वेश्चन है, अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर से लिखा जाए क्वेश्चन। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला कर देता है, कॉमा, इसका पीएच संभवतः क्या है? इसका पीएच संभवतः क्या है? जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कोई बिलियन है भाई, और उस बिलियन वह जो बिलियन है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो जब लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच संभवतः कितना है, उसका पीएच मान बतलाना है कि पीएच कितना होगा। पहला ऑप्शन इसमें दिया है 1, दूसरा पीएच ऑप्शन दिया है 4, और तीसरा दिया है 5, और डी नंबर ऑप्शन दिया है 10। समझो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब हमको आंसर पे विचार करना है कि आंसर क्या होगा इसका। बोला जा रहा है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है भाई। तो हम आपको बताए हैं कि जब वह पदार्थ जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वह क्या कहलाता है। तो आप जानते हैं ना कि जो लाल को नीला कर दे वो क्षार कहलाता है। ठीक है, और जो नीला को लाल कर दे, ध्यान देना, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो अम्ल कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे सवाल बोल रहा है कि लाल से नीला कर देता है तो क्षार, और क्षार का पीएच मान कहाँ से कहाँ तक के होता है। ऐसे तो पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 होता है, बीच में 7 होता है जिसको उदासीन कहते हैं, 7 वाले को उदासीन, और 7 से 14 के जो बीच में रहेगा उसको क्षार कहते हैं, और 0 से 7 के बीच वाले को अम्ल कहते हैं। अब आपको यहाँ से लाल से नीला कर देता है का मतलब हुआ क्षार, और क्षार का वैल्यू होता है 7 से 14, तो 1 तो ये अम्ल में आ गया, 4 ये भी अम्ल में आ गया, 5 ये भी अम्ल में हो गया, तो एक ही गुना ऑप्शन है जो क्षार वाला है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। तो पहला का सही आंसर क्या होगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पहले नोट डाउन किया जाए, लिखा जाए, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच के, अंडे के पीसे हुए कवच के अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है।
इस विलयन में क्या होगा, इस विलयन में क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए दिखा रहा है NaCl, दूसरा ऑप्शन दिखा रहा है HCl, तीसरा ऑप्शन दिखा रहा है LiCl और डी ऑप्शन दिखा रहा है KCl। सवाल समझिए क्या बोल रहा जा रहा है। कोई विलयन है, अंडा का जो ऊपर वाला व्हाइट वाला जो होता है ना कवच के साथ अभिक्रिया करे, मतलब ऐसा कौन सा विलयन है जो अंडा का ऊपर वाला जो खोपड़ी रहता है व्हाइट वाला, जिसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं, उसको अगर पीस पीस के साथ उसके साथ अभिक्रिया कराएगा तो चूने का पानी का जो है वो दूधिया कर देता है। ठीक है, तो इस विलयन में क्या होगा ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, फिर से हम समझाते हैं। मान लिया बोल रहा था कि कोई एक ऐसा विलयन मानिए, यही विलयन में से कौन सा विलयन होगा जो अंडे के ऊपर वाला भाग, यानी कि अंडा का जो ऊपर वाला व्हाइट वाला भाग होता है, याद रखिए उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है, जिसको बोल रहा था कि उसको पीस पीस कर एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए, यानी कि यहाँ हो गया CaCO3, अंडे का पीसा हुआ कवच। तो अंडे का पीसा हुआ कवच का मतलब अंडे वाला में जो कवच व्हाइट वाला जो होता है उसमें CaCO3 पाया जाता है। तो बोल रहा था कि वैसा कौन सा विलयन लिया जाए जो CaCO3, यानी कि अंडे का कवच का पीसा हुआ के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ठीक है, तो दूधिया कर देने का मतलब क्या हुआ वो समझिए। तो दूधिया कर देने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को CO2 गैस निकलना चाहिए, रिलीज होना चाहिए। तो इसके वजह से आप याद रखिएगा कि वह विलयन क्या है, HCl है। तो हमारा आंसर, राइट आंसर क्या होगा, HCl। तो दोस्तों ये था हम लोगों का अभ्यास का दूसरे नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोगों ने अभ्यास के दूसरे नंबर क्वेश्चन तक के किया है, इसमें भी 2 दिन लगेंगे अप्रोक्स, और ये चैप्टर हम लोगों का पूर्ण तरीके से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।